हेलो दोस्तों, वेलकम बैक जेआरविस द एक्सप्लोरर। मैं आपका दोस्त गौरव और मैं पहुंच गया हूं चित्रकूट धाम। चित्रकूट धाम भगवान श्री राम की कर्म भूमि है। यहां भगवान राम ने वनवास के 11 वर्ष बिताए थे। तो दोस्तों, चित्रकूट धाम की यात्रा की शुरुआत हम करते हैं राम घाट से। चित्रकूट के घाट पे भाई संतों की भीड़ जी, तुलसीदास चंदन किसी तिलक रघुवीर, जब उनके नैन तले देखे कि चंदन कोई लगा गया। यह राम घाट वह घाट है जहां प्रभु श्री राम रोज स्नान किया करते थे। यह चित्रकूट धाम मंदाकिनी नदी के किनारे पर बसा हुआ भारत के प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है। यहीं राम घाट के समीप जानकी घाट है जहां हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति है। ये रही हमारी नाव जिस पे हम आए हैं जानकी घाट से। ये रहा मंदाकिनी नदी का मनोहर दृश्य। दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं कामतगिरी पर्वत जहां कामतानाथ जी का मंदिर है। भगवान श्री राम के ही स्वरूप विराजमान कामतानाथ के दर्शन के लिए लोगों की यहां भारी भीड़ रहती है। यहाँ लोग कामतानाथ मंदिर में भगवान के दर्शन करते ही कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। यह परिक्रमा 5 किलोमीटर की है जिसे पूरा करने में लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। फ्रेंड्स, मैंने अभी परिक्रमा चालू की है। अभी टाइम हो रहा है 4:45। ये परिक्रमा लगभग 5 किलोमीटर में कंप्लीट होगी। कामतगिरी पर्वत के चारों तरफ मैं कामतानाथ जी के दर्शन के बाद परिक्रमा चालू किया हूँ। परिक्रमा करने से मनोकामना पूर्ण होती है, फल की प्राप्ति होती है। आप यहाँ आएँ तो ज़रूर परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद एक बार फिर कामतानाथ जी के दर्शन करें। तो फ्रेंड्स, हमारा परिक्रमा पूर्ण हो गया है और हम कामतानाथ जी के दोबारा दर्शन भी कर लिए हैं। मेरे को लगभग परिक्रमा करने में 1 घंटे का समय लगा है। यहीं राम घाट से 2 किलोमीटर की दूरी में मंदाकिनी नदी के किनारे जानकी कुंड स्थित है। ये एक छोटी शिला है जो ऐसा पत्थर सारे चित्रकूट में नहीं। जानकी कुंड से कुछ ही दूरी पर मंदाकिनी नदी के किनारे इस स्फटिक शिला है जहाँ भगवान रामचंद्र जी जंगल में फूल लाए। इस शिला में बैठ करके भगवान बेड़ीहार गजरा बनाया और माता का श्रृंगार किया। तभी इंद्र का लड़का जयंत कौवा का रूप बनाया और माता के कर में
जब खून बहने लगा भगवान ने चिंते का बाण मारा, भगवान तीनों लोग को भगा लिया। माना जाता है कि इसी शिला पर भगवान श्री राम और माता सीता के पैरों के निशान हैं। इसके बाद इस फटिक शिला से 4 किलोमीटर की दूरी में सती अनसुईया आश्रम है। यह आश्रम घने जंगलों से घिरा हुआ एकांत में स्थित है। के बाद चलते हैं गुप्त गोदावरी। गुप्त गोदावरी चित्रकूट से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। गुप्त गोदावरी में 2 गुफाएं हैं, एक गुफा चौड़ी और ऊंची है तो दूसरी गुफा वहीं बहुत ही सक्रिय है। गुप्त गोदावरी दर्शन के लिए आपको पहले टिकट कटाना पड़ेगा जिसका कीमत है 20 रुपये। यहाँ पहली गुफा में आपको भगवान श्री राम का दरबार देखने को मिलेगा। यहाँ पहली गुफा अंदर से काफ़ी ऊंची और बड़ी है। यहाँ छोटा सा कुंड है जिसे सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ से गोदावरी माता गुप्त रूप से प्रकट हुई है। यहाँ पहली गुफा में ही आपको खटखटा चोर देखने को मिलेगा। गुप्त गोदावरी के दूसरे गुफा के सामने ही श्री पंचमुखी शंकर जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। दूसरी गुफा में शुरू से आखिरी तक पूरा पानी भरा हुआ है। जैसे ही आप गुफा में अंदर आगे जाते जाएंगे वैसे ही पानी का स्तर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप अंदर जाते जाएंगे गुफा उतना ही संकरा होते जाएगा और थोड़ी घुटन सी भी अंदर महसूस होती है। यहीं आपको आगे ही बहुत सारी दुकानें देखने को मिलेगी जहां लकड़ी से बहुत सुंदर सुंदर साज सज्जे के सामान, खिलौना, काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी।
तो दोस्तों चित्रकूट धाम का सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है। अब आपको मिलते हैं नए यात्रा में नए वीडियो के साथ।